चढ़ा हुआ है। अभी टमाटर और मिर्ची की डाली, गरम मसाला इसके अंदर, इसके बाल कटा के आ रहे हैं। ठीक है चलो, सनी का हेयर कट करा के आ चुके हैं घर, क्योंकि उसको कल निकलना भी है ना। तो आज दिन भर से मैं उसे कहती अब ले चलूंगी, तो ये पास वाले में ही कटवा दी है। थकान अब बहुत ज्यादा हो रही है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा हुआ, हम लोग सुबह से कुछ ना कुछ कर रहे थे। अभी जब खाना पूरा रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे क्या बनाए। ज्यादा छोटे तो नहीं हो गए? ठीक, अच्छा लग रहा है। कल निकलना भी है इसको। आई विल मिस यू, जल्दी से आ जाना अपना ख्याल। यहाँ पे खा लेंगे बेटी, खा ले, ये ऐसे ही रहने देते हैं, टेबल नहीं हटाते, इधर खा लेंगे। फ्रेंड्स मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड ना उसके लिए हूँ जो हमने चिकन वाला कुछ कबाब बनाने की ट्राई की है ना, उसके लिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बनती रहती हैं, वो आज हमने जल्दी में पहली बार ट्राई किया, वो देखते हैं कैसा बना। क्या चार पांच लड़की यू लुकिंग स्मार्ट। अरे वाह, देखो तुम लग रहे हो सच में बाल कटाने के बाद, दिखाओ। खुश तो बड़े हो गए। अब देखो भाई, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिप देना बंद कर दो। नहीं नहीं भाई, इसमें अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अस्सलाम बेटा जी। घर में अम्मी आप आई, रौनक आ गई, माशाल्लाह चमक आ गई घर में। तुम भी कुछ बोल दो। खुशबू तो अच्छी आ रही है। अच्छी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम दबा, इधर देखो, इधर देखो। क्या क्या जल्दी, कितना टाइम लगेगा? बस होने वाला है, हम लोग अब तक यहाँ रेडी करते हैं चटाई वटाई बिछा के फटाफट। शर्म आ रही है, सब लोग बैठे ना, इसलिए शर्म आ रही है। तो अभी इतना चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, सनी यहाँ पे सैलेड रेडी कर रहा है। चल, और फोन गिर जा रहा है मेरा, आ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ। बहुत ज्यादा भूख लगाई है फ्रेंड्स, अब खाना स्टार्ट करते। माशाल्लाह अच्छा बना है। पहले अम्मी ये खा के बताओ, इसमें थोड़ा सा नींबू डालो, रुक जाओ। कुछ कमी नहीं है, चटपटा कम लग रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा नींबू डालने के बाद भी चटपटा नहीं हुआ, थोड़ा सा और मिर्ची से मसाला। सर हमने मिर्ची डाली थी, हाँ डाली थी। फ्रेंड्स इस तरह के चिकन टिक्का को और चटपटा कैसे बनाया जा सकता है प्लीज हमें बताना। तो अभी हम लोग सब लोग खाने लगे हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बाकी बातें बाद में। मटन बहुत अच्छा बना, मम्मी अच्छा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स खाना खा के हो चुका है। टिक्का जो था, जो भी फ्राई किया था, वो उतना अच्छा नहीं बन पाया क्योंकि अंदर तक उसमें टेस्ट नहीं गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम था ना, सेकंड टाइम इंशाल्लाह अच्छा बनाएंगे। अच्छा बनाएंगे। मम्मी खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम सबको। मौदाना मिलता है भाई, वही बना ट्राई किया था लेकिन बना नहीं है ना, दोबारा में बनेगा। और मोटा बेसन रहता है हमें लग रहा है। सलाम तुम भी कर लो सबको। अस्सलाम वालेकुम। वो मुझे लगता है बेसन बेसन नहीं डाला था। तुम ये क्या बना रही हो? किडनी। ये है एक्सटर्नल बीम सीड, सीड का जो अंदर बीज होते हैं ना उसका। तो लड़की ने तारीफ कर दी है तो वो ही ख्याल में डूबा हुआ है बेटी का। बता रहा हूँ तारीफ करने वाली बात। बैठे बैठे बेटी का तो लगते ही है। यहाँ पे ऐसे टिका हुआ है, बैठे बैठे ख्याल में मुस्कुरा रहा है, मुझे लगा कौन सी बात है। इसने भी तारीफ की है दिल से, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स सारी चीजें हो चुकी है, अब सुकून मिला है, 12 बजने वाला है, अब जाके रिलैक्स करेंगे, क्या बोलते हैं सुकून वाला मोमेंट देंगे, जो मी टाइम होता है ना वो करेंगे। इसलिए मैंने ये कैंडल भी ले लिया, आज इसे बाहर जलाएंगे। मैंने अपना ये नाइट सूट भी पहना है, ये मेरा न्यू नाइट सूट है, और मैंने कुछ और भी अपने लिए ऑर्डर किया है, चलिए मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। हम जलाएंगे आज यहाँ पे रोज वाली कैंडल, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। काम चला वाला बेड यहाँ पे, यहाँ बैठ के आराम से हम देखेंगे फिल्म। माचिस भी लाना भूल गया फ्रेंड्स, अभी इससे काम चलाना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा मोमेंट मिलता है कि जब आप सुकून से जला के बैठ के रिलैक्स करो। वाली हमने ली थी वेस्ट साइड से, और ये ली थी मार्केट 99 से। इसमें फ्रेग्रेंस है रोज की, बहुत ही अच्छी। आपको बता रही थी अपने इस नाइट सूट के बारे में, आप सबको पता है कि मुझे नाइट सूट्स कितने ज्यादा पसंद है, मैं हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ जो भी नए नए मैं मंगवाती हूँ। तो इस बार मैंने ये मंगवाया था, इसका जो पैटर्न है फ्रेंड्स वो एकदम मेरे टाइप का है, मतलब जैसे मुझे चाहिए होता है, पीछे से थोड़ा लॉन्ग लूज, और इसका जो फैब्रिक है वो भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। आप सबको पता है कि मेरे लिए कंफर्ट सबसे पहले आता है, और नाइट सूट कंफर्टेबल ही होने चाहिए। तो जो मैंने पहना है वो मंगाया था, और बाकी भी मंगाए थे, और कहाँ से मंगाए थे मैं सब आपको बताती हूँ। आइए, मैंने अपने लिए नाइट सूट्स ऑर्डर किए हैं क्लोविया ऐप से। नाइट सूट्स पे जाएंगे, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हर किसी के कंफर्ट के हिसाब से, और जो प्राइस है वो काफी ज्यादा रीजनेबल है। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, 699, 755,
और बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और जो साइज है वो सबके लिए अवेलेबल है। मतलब मुझे तो लूज चाहिए होता है इसलिए मुझे बड़े बड़े साइजेस भी मिल रहे हैं। और मैंने और कौन से मंगाए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला है, ये ऊपर का टॉप है सैटिन मटेरियल में, ये है इसका बहुत ही कम्फर्टेबल सा पजामा। और एक ये वाला पैटर्न है फ्रेंड्स, जैसे बहुत से लोग वो शर्ट और पैंट वाला स्टाइल नहीं पसंद करते हैं या ऐसा कोई चीज चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा बाहर भी चले जाए, इधर सूट स्टाइल में भी कह सकते हैं, वैसा है। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, स्लीव्स भी देखिए इसकी लॉन्ग सी हैं। और ये इसके नीचे का पजामा, ये तो आप भी मेरी तरह अपने कंफर्ट के नाइट सूट मंगा लीजिए क्लोविया ऐप से। मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और वहां पे आप मेरा कोड यूज करिए जो कि मैंने मेंशन कर दिया है, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जो आप 499 रुपीज की परचेज पे पा सकते हैं। जल्दी से चाहिए क्लोविया ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरी तरह क्यूट क्यूट से नाइट सूट अपने लिए भी मंगा लीजिए। यही दिखाओगे लड़ाई झगड़े वाले? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। लिली खिल गए ना? खिल तो गए लेकिन खुशबू नहीं आ रही इनसे, कुछ आ रही है पूरे रूम में आज से आ रही है। हम सबके ब्लड टेस्ट होते रहते हैं लेकिन सनी का नहीं हुआ था, तो हमने सोचा इसका भी करा देते हैं और कुछ ऊपर नीचे है तो सारी चीजें पता चल जाएंगी। हम पी रहे अपनी चाय और बेटी खाला सनी के लिए ओट्स ठंडा करके दे रही है क्योंकि आज उसका ब्लड टेस्ट होना था ना, तो फिर उसको फास्टिंग करनी थी 12 आवर्स की। ऑस्टिन क्लोजेट वालों की तरफ से ये हैम्पर आया है, आज जुमा है, सोच रहे हैं आज इनका ही सूट पहन लेते हैं हमारे लिए। ये भी हमारे लिए, ये अम्मी के लिए है और ये बेटी खाला तुम्हारे लिए भी है और इस सनी की अम्मी के लिए है। सनी अम्मा के लिए सूट आए थे, ले जाओ उन्हें दे देना। अब मेरे बैग में जगह नहीं, नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। ले तो आ जाएंगे, नहीं आई उसको। थैंक यू बोल दो। थैंक यू सो मच। लॉस्ट इन क्लोजेट देखो। हम निकलने लगे हैं सनी को स्टेशन जाने के छोड़ने के लिए। और कोई उदास हो रहा है? हमेशा की तरह हमेशा की तरह उदास। मिलो मम्मी से पूछो। शक्कर और चावल चीज कह रहे हैं कम खाने, तुम शक्कर बहुत खाते हो। पापा बोल रहे हैं। बाउंड्री पे थी, इसकी डायबिटीज बढ़ी हुई नहीं थी लेकिन कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार टेस्ट करा ले, नॉर्मल वाला ब्लड टेस्ट भी करा लिया तो उसमें पता चल जाएगा। आपकी रिपोर्ट आएगी तो इंशाल्लाह भेज देंगे। अल्लाह हाफिज बेटी खाला। और कुछ भूल तो नहीं रहे? हाय बाबू। वाह हनी बनी है, अब मैं देखती हूँ, मुझे बताना को मेरे को बता देना। ट्विन्स है ना आपके? तो क्यूट। हनी, हनी कौन सा है? हनी हाय। हम पहुंच चुके हैं मोहम्मद अली रोड, यहाँ पे सनी को लेना था स्पेशली अफलातून। तो ये शॉप है सबसे अच्छी सुलेमान उस्मान मिठाई वाला, अफलातून की इतनी सारी वैरायटी है हमने ले लिया है और कुछ कुछ घर के लिए मिठाई भी ले ली। सुलेमान उस्मान मिठाई वाला से अफलातून ले लिया है क्योंकि फ्रेंड्स ने वहाँ पे मंगाया है। सबको खिलाना है, काफी बार से बोल चुके हैं लेकिन मैं लेके टाइम नहीं मिला तो फिर लेके ले जा पाया, तो इस बार मैं चलो ले लेता हूँ और खिला देता हूँ। अच्छा किया। 3-4 डब्बा लेके आई हुई है, जरूर तुम लेके एक बार मोहम्मद अली रोड। हाँ घूम लेंगे, रमजान में तो इंशाल्लाह पक्का आएंगे एक बार। स्टेशन आ चुके हैं फ्रेंड्स, अभी एक घंटा भी 2:30 बज रहा है, 3:30 तक ट्रेन इसकी आएगी, 4 बजे निकलेगी, जब इंशाल्लाह निकल जाएगा मैं तब भी जाऊंगी। नहीं 3:30 में तुम घर नहीं। ये वाला रेस्टोरेंट बड़ा ही प्यारा सा लगता है ट्रेन जैसा, हमेशा देखते थे, अंदर चलते और देखते क्या है। नहीं भैया यहाँ से नहीं है। ओह है अंदर। साढ़े 3 हो चुका है फ्रेंड्स, सनी की ट्रेन जो है वो आ चुकी है, चलो इसको अंदर बैठा देते हैं फिर घर चलेंगे। मैं छोटा बच्चा हूँ तो मुझे बैठाने आई, ये इस बार अकेला था तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ऐसे अकेले छोड़ने से भी। ये मोहब्बत है बेटा। आती हूँ छोड़ के। सामान रख के छोड़ने में जाएगा? नहीं अब नहीं आओगे, बाय। नहीं 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 हम कह दिया नहीं, मतलब नहीं हम चले, चलो अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं मैं भी बहुत दूर है, बहुत दूर। ये कौन सी बात हुई, मैं ऐसे यहाँ तक छोड़ने आई हूँ, मुझे फिर वापस छोड़ने जा रहा है? नहीं ये अच्छे शौहर का बात होता है कि नहीं छोड़ नहीं हम चले जाएंगे। मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, पता है क्यों? क्योंकि ये जाने के टाइम रो नहीं रही, वरना हमेशा इसके आंसू यहाँ के यहाँ पूरे होते हैं पूरे मुंह। और अब स्ट्रांग हो गई है ना, स्ट्रांग बच्चा हो गया अभी माशाल्लाह। बस अब मैं चली जाऊँ? नहीं नहीं मैं चल रहा हूँ छोड़ने, और मैं इंशाल्लाह जल्दी से आता हूँ मिलने। जा रहा हूँ घर, फिर उसको आता हूँ, फिर मिलते हैं दोबारा मुंबई में। लहरा दो तिरंगा लहरा दो। मैंने यहाँ तक बहुत कंट्रोल किया लेकिन अब थोड़ा थोड़ा रोना आ गया था, इसलिए सनी यहाँ पे खड़े होके ना मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। ये हलवा पसंद है तो वो 2 पीस ले लिया था, अच्छा होता है। पापा लाते थे अम्मी को जब दिवाली होती थी, कराची हलवा।
अम्मी को पता नहीं है क्यों पसंद है, शुरू से पसंद है ये। पापा दिवाली मेरी अलग से ला देंगे 250 ग्राम का डब्बा ऑरेंज कलर का, खा के सुकून मिलता है मुझे। ये मुझे नहीं पसंद, मुझे चिंगम। हर एक चीज का ना एक वक्त होता है, पहले ना इतना सारा हम लोग सारी मिठाइयाँ, इतनी सारी अच्छी अच्छी महंगी मिठाइयाँ इतनी नहीं खरीदते थे, कभी कभार ऐसे नॉर्मल वाली खरीदते थे। दिवाली आती थी ना तो पापा को बैंक से टोकन मिलता था, जो भोपाल की सबसे फेमस डेयरी थी ना मनोहर डेयरी, वहां से जाके आप अपने पसंद की स्वीट ला सकते हो। तो हम लोग को इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी उस चीज की, हम अपनी पसंद बताते थे, भाई अपनी पसंद बताता था। तो उसमें अम्मी जो कराची हलवा है ना ये अलग से मंगवाती थी, थोड़े पापा उसमें अपने पैसे मिला के फिर हम सबको मिठाई लाते थे ढेर सारी, तो हम लोग की अलग ही खुशी थी। तो उसमें ये कराची हलवा जरूर आता था ना, जरूर आता था। हाँ, हाँ तो कभी कभी तो दिन में मुझे पापा लेके जाते थे। हाँ, तो तरह अपनी पसंद की लेना, तो वो इतनी बैंक से पैसा मिलते थे तो खुशी अलग एक। हाँ, आज वो दिख गया हमको सुलेमान उस्मान जो मिठाई वाली शॉप है ना मोहम्मद रोड में, वहाँ से सनी को अफलातून लेना था, तो वो अफलातून लेके गया, उसके दोस्तों ने स्पेशली मंगाया था, मुंबई का बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ सनी चला गया तो बहुत अजीब भी लग रहा था, लेकिन वहाँ भी काम है, देखो बुरा बहुत लगता है, फिर मैं खुद को सोच के उस वक्त समझा लेती हूँ कैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड बाहर है, वो भी रहती है आर्मी में है, सऊदी में है, वो लोग भी रहते हैं, और कुछ कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हो जाता है कि दुनिया से भी बहुत से लोग घर वाले चले जाते हैं, तो भी सबर करना पड़ता है, तो लगता है बुरा, लेकिन फिर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया, उसे अल्लाह अच्छे से वो पहुंच जाए, वहां पे सारे काम हो जाए, क्योंकि उसे अम्मा पापा के वहां पे पासपोर्ट के काम कराने, इसलिए उसे जाना पड़ा। तो बस हम लोग वो इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी वो आदत हो जाती है ना, एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसा ख्याल रखता है ना, तो वो थोड़ा सा तो बुरा लगता ही है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में हर हाल में खुश रहना चाहिए। अभी हम मिठाई एंजॉय करते हैं। इसे क्या हुआ है? सो रही है। रिजा उठो। फ्रेंड्स काफी दिनों बाद मैंने इंस्टाग्राम के लिए फोटो शूट किया है, और ऐसा तुम्हें कैसा लग रहा है इतने दिनों महीनों बाद मेरा फोटो शूट कर रहे? कुछ अलग लग रहा है, इतने कुछ था ही नहीं करने के लिए। तो मिस किया फोटो क्लिक करना या तुम्हें लगा कि चलो अच्छा है जान छूटी? नहीं फिर मैं नहीं कर भूल जाती, मैं फिर नहीं याद आता, लेकिन अभी अच्छा लगा। काफी दिनों में सनी है सारी मेहनत कर रहा है, फ्रेंड्स आज चला गया, तो हमने कर लिया तुम अभी फ्री हो, चलो इसके प्रोजेक्ट सारे बन गए थे। इतनी डार्क लिपस्टिक आज मैंने इसके कहने पे लगाई है, इसने सारी लिपस्टिक दिखाओ अपने हाथ में, स्वॉचेस किए थे और बोल रही थी ये नहीं लगाई ना मैंने, ठीक लग रही है वैसे, कभी कभार के लिए ठीक है, कभी कभी चेंज के लिए, कभी एकदम लाइट अच्छा लगता है, तो कभी कभार डार्क भी अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स इतनी ऊंची चप्पल भी मैंने इसी कहने पे ज़ारा से ली थी शादी से पहले, 2-3 महीने पहले, जब मैंने वेस्टर्न कपड़े खरीदे थे और मैंने कहा था कि जब हम हनीमून पे जाएंगे तो पहनेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे हनीमून पे गए नहीं, जयपुर जाना था वहां भी नहीं जा पाए, अल्हम्दुलिल्लाह हम अजमेर शरीफ हो या दिल्ली वाले दरगाह भी हो या, तो वो सारे कपड़े तो अभी कहीं ना कहीं पड़े होंगे, बाद में पहनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन चप्पल रजन का इसमें मैच करेंगी, पहन लो, तो फिर मैंने पहन ली। आज का ब्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड हो गया, कल का ब्लॉग जाके एडिट करूंगी और फिर जो भी करेंगे वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। मुझे ना टंग ट्विस्टर करना था रिजा। ओ व्लॉग चल रहा है, चलो ये वाला बोल दो, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। अरे तो बहुत आसान है, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पत्ता कर, वन मोर चांस, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, एक सेकंड, वन मोर चांस, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का चलो फ्रेंड्स आपसे मिलते हो कल, अरे आप भी कच्चा कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का 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 कद्दू, कच्चा क्योंकि हम रोज बनाते हैं ना, कद्दू खाने का ये फायदा होता है बच्चों, कद्दू खाओ जीत गए और दिमाग बढ़ाओ। 1, 2, 3, 4, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का पक्का कद्दू, वन मोर चांस, चलो 1, 2, 3, 4, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, 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 कच्चा कद्दू पक्का, नहीं फिर भी हो गया, हो गया, हंस लिया फ्रेंड्स,
और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ऐसी आई होगी। कच्चा कद्दू पक्का कद्दू, कच्चा कद्दू पक्का कद्दू। फ्रेंड्स हमारा बिस्तर हो चुका है और अभी हम चलते हैं सोने के लिए। बज रहा है 2 या 2:30 बजने वाला है। मुझे काम भी है क्योंकि मुझे मैंने जो आज फोटोज क्लिक की उनको एडिट करूंगी, कल थोड़ा काम आसान हो जाए। कि कल हमें क्या करना है, जो बहुत सारे शादी के पार्सल्स रखे उन्हें कहीं कहीं ठिकाने लगाना है, कुछ यूज में लेना है, कुछ देना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।